हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सब रेडी हो गए हैं, मम्मी दीदी और हम तीनों जा रहे हैं नहान नर्सरी, जो कि यहीं पास में है। पैदल जाएंगे और वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे पौधे लेके आएंगे। हमने अभी डिसाइड नहीं किया है हमें कौन सा लेना है, लेकिन मम्मी दीदी का फाइनल हो गया कि वो कौन कौन से पौधे लेके आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले कम से कम 5 गमले खरीद लिए थे उनमें पौधे लगाने के लिए। तो 2 में हमें लगाना है, तो 1 में तो हमारा फाइनल है। 1 में हम लगाएंगे मनी प्लांट जो कि घर पर है, बाकी दूसरे का डिसाइड करना है कि उसमें क्या लगाना है। तो जाके देखेंगे, वहाँ में जो पसंद आएगा वो हम लेके आएंगे, क्योंकि हमें पौधों के इतने नाम याद नहीं रहते, इन लोगों को याद हैं, तो ये लोग अपने याद किए लेके आएंगे। ठीक है, तो बस 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर हम लोग निकलते हैं और आपसे मिलते हैं पैदल पैदल रास्ते में। तो ये देखो, ये होती है मनी प्लांट जो कि हम लगाएंगे इसको, और बाकी के लिए 1 पौधा लेंगे। हम सब निकल गए हैं और यात्रा कितनी दूर की है ये देखो, ये अब लॉक करेंगी। इनका काम है ताले वाले लगाने का और हमारा काम है आगे आगे जाने का मम्मी के साथ। और मम्मी, आप कितने एक्साइटेड है पौधे लेने के लिए? मम्मी कंफ्यूज हो जाती हैं कैमरे के सामने आते ही, तो चलो जल्दी से चलते हैं। ये देखो, अभी हम रोड पे चल ही रहे हैं क्योंकि ये दूर है, हमें लग रहा था कि पास है, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो चुकी है चल चल के, और वो लोग भी चल के आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं नर्सरी के अंदर और ये मम्मी का बैग है, हमने ले लिया था, इसमें पानी की बॉटल है, मम्मी थोड़ा बहुत सामान लेके चलती हैं, पानी वगैरह। तो अभी नर्सरी के अंदर आए हैं और अभी हमें डिसाइड करना है यहाँ के। बहुत प्यारे पेड़ पौधे हैं यहाँ तो, और एकदम मस्त हरियाली है। आपको आराम से दिखाते हैं कौन सा पौधा किस चीज़ का है और उसकी क्या प्राइस है। ये देखो, यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं। ये रास्ता पूरा ख़राब हो गया है क्योंकि बारिश चल रही है ना इसलिए। और ये देखो, ये वो लोग वहाँ पे देख रहे हैं कौन सा लें कौन सा ना लें। बाकी मम्मी ने हमें सजेस्ट किया है ये ले लो, ये स्नेक प्लांट है, अच्छा लग रहा है ये। और ये कमल के फूल भी यहाँ पे हैं, बाकी बहुत सारी वैरायटी हैं। ये देखो, ये पौधा भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में इंटरेस्टिंग। ये क्रिसमस ट्री है, हाँ ये क्रिसमस ट्री है, बढ़िया लग रहा है। और भी दिखाते हैं हम आपको अलग अलग तरह के ये पौधे हैं, ये पता नहीं कौन सा है, ये भी क्रिसमस ट्री है। आगे चल के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे गुलाब है, लेकिन ये तो बड़े ट्री क्वालिटी के लग रहे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये देखो। तो अभी हम लोग थोड़े आगे की तरफ चल पड़े हैं कि और कौन से पौधे देखें। यहाँ पे इतनी बड़ी नर्सरी है, मज़ा ही आ गया देख के। यहाँ पे रोज़ हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो अपन चलते हैं उस साइड और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से और पौधे हैं। और हमें ऐसी हरियाली जगहों पे बड़ा पसंद है, नर्सरी हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ। आपने हमारा एक ब्लॉग देखा होगा, तुलसी जी है हाथ में थंबनेल में, तो यहीं से लेके गए थे हम लोग। तो ये देखो, ये इसके अंदर भी ना बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं, बस ये लगा है। इसको अपन खोलते हैं और चलते हैं मैजिक वाले रूम में। ये देखो, यहाँ पे तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, यहाँ पे बहुत तरह तरह के पौधे हैं, है ना। और ये जो बने रखे ना, इसके अंदर अलग तरह के हैं। ये देखो, बारिश की वजह से ये खुल गया, तो कुछ कुछ पौधे डैमेज भी हो गए हैं। ये देखो, इसके अंदर भी पौधे हैं इसके अंदर। तो हम थोड़े थक चुके हैं और साइड बैठ गए हैं, बट मम्मी और दीदी अभी पौधे ही देख रही हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हमने तो एक ही डिसाइड किया जो कि आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, पसीना आ रहा है, दोनों का वेट करते हैं। यहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था है, तो हम बैठ गए आराम से। और रास्ते में हमें रेस्टोरेंट दिखा रहा, तो उन लोगों से बात करेंगे कि उस पर कुछ खाते चले तो बढ़िया, अगर मान जाए तो, अगर नहीं माने तो कोई बात नहीं, अपने घर जाके कुछ खाने पीने को बनाएंगे और खाएंगे। तो देखते कितना टाइम और है, फिर आप सुनते हैं। यहाँ पे देखो कितना फोकस चल रहा है पौधों को ढूंढने में, कौन सा पौधा ढूंढा जा रहा है। मम्मी के आम की बेल। हम जा रहे हैं बाहर साइड, यहाँ पे थोड़ा निकलने की दिक्कत है, इसलिए हम नीचे ज्यादा देखेंगे। तो बाहर साइड जा रहे हैं ऑटो देखने के लिए, क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे, दे पौधे कम से कम 8-10 कर लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कोई अच्छी सी ऑटो, जो हमारे सारे पौधे रखे हैं, तो रोड साइड जाते हैं और फिर आपको ऑटो में मिलते हैं। 20 मिनट्स लेटर। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन ऑटो नहीं मिली, तो हमने सोचा हम स्कूटी लेके जाते हैं। तो हम पैदल घर आ गए 3 पौधे लेकर, और मम्मी दीदी 2-2 पौधे लेकर आ रही हैं, टोटल 11 पौधे थे। तो हम पहले आ गए और वो हमें आते दिख रही है, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये आ चुकी है 2 पौधे लेकर, और पीछे आप देख सकते हैं मम्मी भी आ रही है।
ये देखो ये देखो ये आ गई है, पुलाव हमें दे दो दे दो अच्छे से। ये देखो हम मम्मी से लेके चल पड़े हैं इसको लेके घर की तरफ। ये देखो ये इलेक्ट्रोल बना रही है, इनका बीपी लो हो गया है, थोड़ा सा हमें मिलेगा। ये देखो इलेक्ट्रोल बन रहा है, थोड़ा सा दे देना हमें, ऊपर देख लो शर्म कर लो, इतना सारा बीपी लो हमारा भी है, हम चल चल के थक गए। तो ये देखो हमें अभी इन्होंने दे दी दया करके थोड़ा सा लैक्टोल, नहीं तो हमारी मम्मी हमें बनाने चली गई थी। हमारी मम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं। A few moments later. इस मौसम में दुल्हन की गाड़ी जा रही है, कार पता नहीं कौन सी दुल्हन, दुल्हन तो हमें दिखी नहीं, और हम लोग चल पड़े हैं नर्सरी के लिए। बहुत ज्यादा थके हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन अब जाएंगे स्कूटी से और सारे पौधों को एक साथ रख के और घर रिटर्न आ जाएंगे। काफी दूर नर्सरी है जो कि हमें पास लग रही थी, बट अब हम औकात में आ गए हैं कि कितने दूर है, पता चल गया। ऐसी पैसी हो गई हमारी। तो ये देखो फाइनली इन्होंने दूसरे साइड स्कूटी लगा दी, ये देखो वेरी गुड। हम वापस आ गए हैं नर्सरी, और अब हमें नर्सरी नाम से इरिटेशन हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने चार पांच पौधे हैं उनको लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी इनका पेमेंट कर चुकी हैं। तो जल्दी से उठाते हैं और चलते हैं घर पर। तो बस बाकी ये पौधे बचे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको हम आगे रख लेंगे, अगर एक आध पीछे ले लें तो ले लें। ये हमें सुंदर सा लग रहा है। 15 minutes later. तो ये देखो कुछ इस तरह से हम पौधों को रख के लाए हैं, ये तीन पौधे रख के लाए हैं, एक तो ये हाथ में लिए थे, तो अब इनको उठा के हम लोग अंदर ले जा रहे हैं। फाइनली घर पहुंच गए हैं, उठा लो और ले चलो। ये देखो कितना बड़ा पौधा है, बस लास्ट और आ रहा है, टोटल 11 हैं। अब बताओ इतने सारे हैं ये कैसे आते, तो कुछ हाथ में आए कुछ स्कूटी में आए, इस तरह से इनका आना हुआ आगमन। ये देखो एक और आ गया, ये है बिल्कुल पूरी नर्सरी आ गई हो ऐसा लग रहा है। ये देखो ये लेकिन सुंदर तो है। हम आ चुके हैं घर, और घर आकर हमने देखा हम लोग के हाथ पैर कप रहे हैं भूख के मारे, तो दीदी जी कह रही हैं बैग स्कूटी, हमने बोल दिया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो अभी हम जाते हैं रेस्टोरेंट और कुछ खा के आते हैं, क्योंकि अब हमने घर पे कुछ बनाया बनाए, तो स्कूटी हो रही है बैग चलते से चलते हैं। तो हमने ये बोला था कि हम स्कूटी चला के कहीं नहीं जाएंगे, मतलब खाने का तो मन है, मतलब चाउमीन की इच्छा तो बहुत है, लेकिन हम स्कूटी चला के कहीं नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि ये स्कूटी चलाएंगी, ये लेके जाएंगी, ये लेके आएंगी, जहाँ पे घर पे स्कूटी खड़ी थी वैसे ही जाके खड़ी कर देंगे, हम सिर्फ अंदर रखेंगे। तो हमने ये एक्सेप्ट किया और हम लोग चल पड़े। ये देखो ये आ गई हमारी टेस्टी टेस्टी मंचूरियन, और इसके साथ ली है हमने माजा जो कि बढ़िया लगती है, तो इसको जल्दी से हम फिनिश कर लेते हैं, और ये बिना प्याज की है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, पेट पूजा हो गई है, मजा आ गया है, बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया, तो हम यहाँ पर ही स्पेशल खाने के लिए आते हैं। तो अब पहुँचते हैं घर और फिर आपसे मिलते हैं। हम जस्ट घर आ गए हैं और गेट लगाने आए थे, तो सोचा आपसे भी बात कर लें, और अभी हो गई है शाम, तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।